Okay, Sanjay Jha Ayodhya Vasis say this is a civilizational moment for Bharat. The Shri Ram idol Pran Pratishtha at the Janbhumi. Sanatan Dharm followers have waited for this day for 500 years plus. Sir, the question that is being asked is can our political parties, cutting across political lines, can they all unite? Or is vote bank politics more important than uniting for what is being described as a civilizational moment for Bharat? गौरव सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि भगवान राम भारत के हर नागरिक के हैं वो भाजपा के ही नहीं है आरएसएस के नहीं है वीएचपी के नहीं है वो भारत के हर नागरिक के हैं छोटा बड़ा महिला बच्चे जो भी हो तो यहाँ पर मुझे सबसे जो खेदजनक और दुर्भाग्यपूर्ण जो आजकल जो वार्तालाप हो रहा है गौरव जी वो यह है कि जो यहाँ पर हमारे जो भगवा पार्टी के जो भी प्रतिनिधि हैं वो ऐसे बात करते हैं As if they want to appropriate Bhagwan Ram just for the political party. I mean, that is highly objectionable. As you correctly mentioned, Gaurav, in your introduction, the Ram temple is being made because of a unanimous Supreme Court judgment. This has got nothing to do with the BJP manifesto of intent, because the BJP manifesto of intent was probably meaningless if the Supreme Court verdict had gone against them. Today, they are hijacking it.

वो तीर्थ क्षेत्र की ओर से नहीं जा रहा है वो असल में सरकार के आदेश पर जा रहा है और चाहे बीजेपी हो आरएसएस हो या विश्व हिंदू परिषद हो वो राजनीतिकरण पर उतर आई है राम को बीजेपी ने या आरएसएस ने या विश्व हिंदू परिषद ने राजनीति के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का इस्तेमाल किया जा रहा है तिवारी जी गौरव जी 1947 के बाद 1947 के बाद 2019 तक सरकारें किसकी थी 2014 से भाजपा आई उसके पहले तो कांग्रेस की सरकार थी उनके पास बहुत सारा अवसर था कि भगवान श्री राम का मंदिर भव्य मंदिर बन जाए और वो अवसर का लाभ तो इन्होंने नहीं, नहीं उठाया है अब जब बन रहा है तो ये राजनीतिकरण कर रहे हैं मैं कहता हूं गौरव जी यार सारे देश में राममय माहौल है हर घर गांव शहर मीडिया सब जगह आपको राममय दिखाई पड़ेगा मैं तो संजय झाजी से भी कहूँगा और वारिस पठान से भी कहूंगा कि एक बहुत अच्छा माहौल है बहुत अच्छा उत्साह का माहौल है आप उसमें सम्मिलित होइए ताकि और सारे देश के बहुत सारे और काम हैं जो काम हो जाएं लेकिन राजनीतिकरण कौन कर रहा है ये आज सारा देश देख रहा है मैं वारिस पठान जी से पूछना चाहता हूं कि बाबर के द्वारा तोड़ी हुई उस राम के भवन को आप बाबरी मस्जिद कहते हैं उसको शहीद कहते हैं उसको उसके उस पर रोते हैं लेकिन उस पर नहीं रोते हैं जब भगवान राम का वहां पर भवन बना हुआ था और बाबर ने तोड़ करके वहां ढांचा बनाया आपको तय करना है कि आखिर किसके वंशज हैं राम के वंशज हैं बाबर के वंशज हैं अगर राम के वंशज हैं तो उस पर दुख होना चाहिए और यह कहना चाहिए बहुत अच्छा हुआ हम भी सम्मिलित होते हैं इसमें तब तो बात कहने की है लेकिन ऐसा ये नहीं करते हैं दूसरा एक डबल स्टैंडर्ड कैसे करते हैं कि ये तोड़कर बनाया इतिहास कहता है हम नहीं कहते हैं यह इतिहास कहता है और इतिहास को मानना सबकी सबको मानना चाहिए लेकिन तोड़ी हुई चीज छीनी हुई चीज लूटी हुई चीज उस जमीन पर ये नमाज नहीं कर सकते हैं ये इनक, इनका, इन, इनके लिखा हुआ है तो वहां नमाज कैसे कर सकते हैं आप उसमें कैसे आप अपनी इबादत कर सकते हैं उसके बाद भी उसके लिए रो रहे हैं तो इनके स्टैंडर्ड को समझिए आप गौरवी क्या कहना चाहते हैं और एक दूसरी बात और एक दूसरी बात और साहब कहते हैं नौको को भड़काने के लिए खड़े हो जाओ यानी उनको भड़का रहे हैं देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं क्या है उनको ललकार रहे हैं तिवारी जी सुनिए सुनिए तिवारी जी आपकी बात को मैंने सुना सबसे पहले मेरी एक सिंपल सवाल का जवाब दे दीजिए अगर राम होते तो क्या वो ये चाहते कि किसी की मस्जिद को षड्यंत्र के जरिए से शहीद कर दो डिमोलिश कर दो और वहां पर उनका मंदिर बनाओ मुझे यकीन है कभी वो नहीं चाहते कि इस तरह का इसलिए आप लोग जो ढोंगबाजी कर रहे हो ना इसको बंद करो किसी ने सही कहा देते हैं भगवान को धोखा इंसा को क्या छोड़ेंगे अरे राम के नाम को बदनाम ना करो देखो दीवानो तुम ये काम ना करो राम का नाम अपनी ओची सियासत के लिए बदनाम ना करो एक सिंपल से रिलीजियस फंक्शन को आपने एक पोलिटिकल इवेंट बना दिया है पोलराइजेशन की अपराध दीदी करते हो भड़काऊ भाषण किसने दिया गिरिराज सिंह हर आए दिन जो धर्म सांसद के नाम के ऊपर बोलते हैं कि बेटा कलम कागज छोड़ तलवार उठा मुसलमानों का नरसंहार करते उसको बोलते हो भड़काउ भाषण आप सुनो 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 भड़काओ भाषण उसको बोलते हैं जो बोला जाता है कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो उसको बोला जाता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो डेज़ डेज़। बात नंबर दो भी आपने कहा कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ा है कि आपने एक पेज का जजमेंट है पांच जजेस ने जजमेंट दिया है अंडर आर्टिकल वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कहीं भी हमको प्रमाण नहीं मिले किसी चीज का के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई हो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कहीं प्रमाण नहीं मिले कि वहां पर कोई मूर्ति प्रकट हो लेकिन मंदिर के अवशेष मिले थे पठान जी तो क्रिमिनल था ये क्रिमिनल एक्ट था पठान जी क्रिमिनल मंदिर के, के अवशेष मिले ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ने लगातार वहां प्रार्थना की थी मुसलमानों ने लगातार वहां इबादत की उसका प्रमाण नहीं है तथ्यों के आधार पर बात करते हैं क्योंकि ये, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है लेट लेट लेट्स गो प्योरली ऑन फैक्ट्स एंड नॉट ऑन पॉलिटिक्स ऑन द राउंड टेबल जिस दिन ये जजमेंट पास हुआ दैट द डे ऑन विच द जजमेंट वाज डिलीवर्ड हैड देन बीन द मस्जिद प्रेजेंटर द जजमेंट वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट They filed an affidavit before the Honourable Supreme Court. They no, know, but the, question, the said, question that, that uh, is, Vishwa Hindu Parishad Vijay uh, Shankar Tiwari asks you, was, that is the thing. Ki, are you, are you more worried about a structure yeah, being demolished I mean. where no namaz was offered or there is no proof that namaz was being offered there, but there is proof that who for centuries so, prayers were happening so, there. Sir, there, there is a big that difference. There, ओके बट विजय शंकर तिवारी वांट्स टू तो रिस्पोंड तिवारी जी उत्तर दीजिए कि मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया जा रहा है गौरव जी गौरव जी गौरव जी टू गौरव जी मैं एक पठान साहब पठान साहब पठान साहब पठान साहब देखो जो 2.77 एकड़ जहां गर्भगृह है जहां मर मंदिर बना था के के मोहम्मद भी मुस्लिम थे और उन्होंने ही वास्तु सारा स्थापत्य के वो सारे जो अवशेष थे निकाल करके कहा ये मंदिर के अवशेष हैं के, -के मोहम्मद ने कहा और उसके तल के नीचे तक जितना जाते गए वहां एक भी अंश मस्जिद का कोई चित्र नहीं मिला कोई चरित्र नहीं मिला केवल मंदिर के बने अगर कोई तो आधार होगा मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट को तो इतना बड़ा निर्णय देने के लिए पठान साहब एक मिनट पठान साहब ठान साहब साहब आप सुप्रीम कोर्ट तो को चैलेंज कर, कर रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं नहीं आप सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं आज इतनी जमीन में केवल उसी जगह पर जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसी के नीचे अवशेष मिले बहुत गहराई तक मिले और उन अवशेषों के आधार पर के के मोहम्मद के के मोहम्मद भी मुस्लिम है उन्होंने कहा यह मंदिर के अवशेष हैं है वहाँ मस्जिद कहाँ से आ गई अगर आप अगर ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि वहां तोड़ा गया है अरे भाई तो बाबरी आप थी? के साथ भी न्याय नहीं करेंगे थी? और आज देर देश तो न्याय ने नहीं मंदिर को तोड़ दिया न्याय नहीं करेंगे आपने तो मस्जिद को डिमोलिश किया संजय झा संजय झा, झाप्रीम कोर्ट एजन ऑन दिस दैट इशू इज सेटल्ड दैट इशू इज सेटल्ड बट संजय झा द क्वेश्चन रिमेन्स Uh, Vijay Shankar Tiwari asks you when your government was in power or when the Congress government was in power they had if, agar ram sabke hai phir, why wasn't the divya bhavya ram temple constructed or built earlier why wasn't all of this effort happening earlier and if the bjp is taking credit for an effort that's being made when prime minister narendra modi came to power why deny them that sir गौरव विजय साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं उनको भी ये मालूम है कि भाजपा की सरकार छह साल थी जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे ये बहुत ही पेचेदा और एक एक जटिल एक विषय है इसमें ढेर सारे मतभेद वाद विवाद था और इसमें वक्त लगता है आप जाते हैं इस बात को आई थिंक गौरव हियर इज पॉइंट आई थिंक टूडे वी शुड ऑल टेक मिनट साइलेंस फॉर द इनोसेंट इंडियंस चाहे उनकी मजहब जो भी हो Hindu ho or Muslim ho, who died in the aftermath of the Babri Masjid demolition. 2,000 Indians died following the communal bloodbath that happened. I think this is the lesson that we all need to wake up to. You know, So, how many lessons to... should we wake up to? Let's wake up to every lesson in this country. Let's wake up to Daud Absolutely. Ibrahim blasting a country where 257 people were killed. Let's wake up to everything. Why, why should we wake up selectively? Gaurav, let me tell you. Let me tell you. The Babri Masjid demolition led to, I think, a fundamental fissure in our society, which was followed, by the way, in 2002 by the Gujarat riots, 2013 with the Muzaffar Nagar riots, 2020 with the Delhi riots, 2023, we know what happened in Manipur. And I can tell you here, with the responsibility on your show, we all know which political formation had the hand in all these. Absolutely ugly, avoidable manifestations of hate and violence so, that is, is is, so you know we, we should you know uh, very we should be very selective in our approach is what you are saying that there no. are some instances you you're being very selective sir no. but Tuhin Sina wants to come in. I am I am actually telling you that India's democratic Gaurav, Gaurav, future should, is susceptible. we should observe in a hand longer mourning. Ideally, we should observe a Gaurav. longer mourning for all those countless people who died protecting the 40,000 temples which were trampled upon across 400 years of our history. You know, let me simplify the fault lines for you here, gauravji. You know, there are large sections of our population, large sections of our country, which believe that our history goes back to 8,000 years and there are certain segments which includes the present day Congress Party, which includes MIM, which includes sections within the Samajwadi Party that believes our history began in 1191 AD with the invasion of Muhammad Ghori. Now those people are in deep trauma and shock because they know that their politics is over. They know that you know they you know they cannot they, they were never able to take a stand. Rather, they they did everything possible to stall the formation of Ram Temple in December 2017. Kapil Sipal, who was then a part of the Congress Party, had very clearly appealed to the Supreme Court to postpone the verdict till 2019 elections. Why? Because Congress Party was under the hallucination was hallucinating that they would come back to power in 2019 and again managed to stall. What were they doing while they were in power? They were filing affidavit in Supreme Court denying the existence of bhagwan ram so this is the reality of the congress party okay Gaurav can i can i reject the so, fake news absolutely no you must respond but you know my yeah. point is you will keep raking up oh, by you i mean everybody wants to rake up all old issues not wanting to move forward and not everyone wants to come together and move forward and